आज जो निर्विरोध मुझे चुना गया है, भाजपा ने जो ये मान सम्मान मुझे दिया है, इसका मैं तहे दिल से सारा शीर्ष नेतृत्व की धन्यवाद करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय खट्टर साहब का, माननीय हमारे HM साहब जो हैं अमित शाह जी का, हमारे नड्डा साहब का और हमारे CM साहब का, सबका जो है शीर्ष नेतृत्व जो है, बडोली जी हैं हमारे अध्यक्ष, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ये दर्शाता है कि किस तरह से भाजपा काम करती है। यही मैं कांग्रेस की कैंडिडेट बनके 20 साल पहले आई थी और मुझे मालूम था कितने पापड़ मुझे बेलने पड़े, और उसके बावजूद जो है ये जो है षड्यंत्र करके मुझे हराया गया था। तो उस समय जो इनकी नियत थी कि ये इसमें यहाँ पे ना आ पाए, वो जो है आज पूरा 20 साल बाद जो है ये बात पूरी हुई है। और जिस तरह से कुछ मुझे नहीं करना पड़ा, मुझे ये कह दिया गया कि आप अपने घर जाके बैठो, ये भाजपा का काम है, वो काम करेंगे। तो ऐसे होता है पार्टी का काम, और ऐसी पार्टी के साथ जुड़ने पर मुझे फक्र महसूस हो रहा है और पूरी तरह से दमखम के साथ मैं काम करूंगा। निश्चित तौर पे फायदा होगा, जब पूरा निर्विरोध चुना जाता है, कोई तो कैंडिडेट सामने दिया जाता, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब आप इतने बड़े नेता हो, आप एक दो आदमियों को भी नहीं तोड़ सकते। इनको ये डर था कि इनके भी जो लोग हैं, अगर चुनाव होता है तो हो सकता था कि कांग्रेस के जो इनके जो MLAs हैं वो क्रॉस वोटिंग कर देते। असलियत के अंदर ये डर था इनको। राज्यसभा के लिए एक तरफा जीत किरण चौधरी जी को मिली है। मैं इसके लिए किरण चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार का कांग्रेस लगातार ये दुष्प्रचार कर रहे थे कि सरकार अल्पमत में है, एक बार नहीं कहा, मैं लगातार ये बात बोल रहा था कि मैंने पूरे विपक्ष के सामने 13 मार्च को विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया है। परंतु इस प्रकार का दुष्प्रचार करना, इस प्रकार से झूठ बोलना विपक्ष के द्वारा, आज वो पूरा का पूरा शीशा विपक्ष को दिखाई दे रहा है। दिखाई वो किरण चौधरी के रूप में दे रहा है, नहीं वो एक तरफा जीत वो भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा के अंदर हुई है। मुझे तो इस बात का आश्चर्य है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत है। कांग्रेस पार्टी ये हिम्मत नहीं कर पाई, जो लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे थे कि सरकार अल्पमत में है, वो फार्म भी नहीं भर पाए। इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस की हो गई है, उन्होंने सरेंडर किया है, उन्होंने हार माननी है। हार मान करके उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो राज्यसभा के अंदर किसी को खड़ा कर दे, क्योंकि उनको मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा गणित है। परंतु इस प्रकार का दुष्प्रचार करना कांग्रेस के द्वारा कि अल्पमत में है, आज ये साबित हो गया है कि जब किरण चौधरी जी एक तरफा जीत लेकर के आई है, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। इस चुनावों के अंदर
और मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं कि कांग्रेस विधानसभा के चुनाव के अंदर भी कहीं दिखाई नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है, क्योंकि कांग्रेस का जो झूठ है वो लोगों के सामने आ जाता है, क्योंकि ये झूठ अब चलने वाला नहीं है। जो जब से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ना हम इनके झूठ को चलने देंगे ना बिकने देंगे, क्योंकि कांग्रेस झूठ और भ्रम पला करके अपनी कुर्सी सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी अब उसको इनके झूठ को नहीं बिकने देगी। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा के अंदर बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है।